हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल एस एन फूड। तो गाइस, आज आपके लिए लेके आई हूँ दम आलू बिरयानी की रेसिपी। जितने भी गाइस वेजिटेरियंस हैं या जो नॉन वेज भी खाते हैं, उन सभी को एक बार ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी चाहिए। दम आलू तो सबको पसंद होता है, आज हम उसका बिरयानी बनाएंगे। तो उसके लिए गाइस यहाँ पे छोटे साइज़ के आलू ले लिए, आप चाहें तो थोड़े बड़े भी ले सकते, बट इतने मिनी साइज़ के आलू ठीक रहते हैं। तो इसको छील लिया, अच्छे से वॉश कर लिया है। आप चाहें तो बॉयल आलू भी ले सकते हैं, बट मैं कच्चा ही ले रही हूँ। ये देखिए गाइस, बिरयानी के लिए मैंने राइस को चढ़ा दिया है। ये मैंने नॉर्मल राइस लिया है, 2 ग्लास लिया है। एक पतीला पानी डाल दिया है मैंने। अब गाइस इसमें हम ऑयल डाल लेंगे, तो यहाँ 2 चम्मच मैं ऑयल डाल ले रही हूँ, रिफाइंड ऑयल डाल रही हूँ ताकि चिपके नहीं राइस। और अब गाइस इसमें कुछ खड़े गर्म मसाले डाल लेंगे, तो यहाँ जीरा, दालचीनी, जावित्री, लौंग, काली मिर्च, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, दालचीनी और तेजपत्ता सब कुछ ले लिया है। अब गाइज इसमें नमक डाल लेंगे, तो 1 छोटा चम्मच मैं नमक डाल रही हूँ। अब गाइज इसमें लेमन जूस डाल लेंगे, तो आधा नींबू का रस निचोड़ के मैं डाल लूँगी। मिक्स कर लेंगे और गाइज अब इसे राइस को 50% तक कुक कर लेंगे। पूरा नहीं पकाना है, सिर्फ 50% ही पकेगा। गाइज राइस हमारा हाफ कुक हो चुका है, अब हम इसे छान लेते हैं। गाइज अब हम बिरयानी के लिए प्याज को फ्राई कर लेंगे, तो यहाँ पे ये 3 प्याज लिए हैं, इसको लंबा लंबा पतला पतला काट लिया है। इसको ब्राउन होने तक अच्छे से तलेंगे हम। ये देखिए गाइस, प्याज हमारा हो चुका है। अब इसे हम एक प्लेट में निकाल देंगे, टिश्यू पेपर रख लीजिएगा। ये देखिए गाइस, अनियंस को मैंने एक प्लेट पे और टिश्यू पेपर पे रख दिया है, ये आप देख सकते। अब गाइस बिरयानी के लिए हम मसाला रेडी करेंगे, तो मसाला हम दही में ही डालेंगे गाइस। तो यहाँ पे मैंने आधी कटोरी दही ले लिया है, इसको अच्छे से विस्कर की हेल्प से फेंट लिया है। अब हम इसमें मसाले डालेंगे। अब गाइज इसमें मसाले डालेंगे, सबसे पहले मैं 2 छोटी चम्मच नमक डाल रही हूँ, आप स्वाद अनुसार डालें। फिर गाइज आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर डाल लेंगे, आधी छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाल लेंगे, 2 चम्मच गाइज धनिया पाउडर डाल लेंगे, आधी छोटी चम्मच गरम मसाला डालेंगे। अब गैस 1 छोटी चम्मच जीरा पाउडर डालेंगे। गैस आधी छोटी चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। गैस इसमें 1 चम्मच बिरयानी मसाला डाल लेंगे। सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए गैस, मसाले अच्छे से मिक्स कर लिए हैं। अब गैस मैंने एक पतीला को गैस पे रख दिया, इसी में हम दम भी लगा लेंगे, तो यही ले लिया मैंने। अब गाइस इसमें ऑयल डाल लूंगी, तो यहाँ 2 चम्मच सरसों का तेल डाल लेंगे और गाइस तेल को गरम कर लेंगे। गाइस तेल हमारा गरम हो चुका है, अब मैं इसमें आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर डाल लूंगी, आधी छोटी चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाल लेंगे और आधी छोटी चम्मच नमक डाल लेंगे। मिक्स करेंगे और साथ ही गाइस अब आलू डाल लेंगे। अब गाइस आलू को अच्छे से लाल होने तक हमें फ्राई करना है। गाइस आलू हमारे अच्छे से फ्राई हो गए हैं, अब मैं इसे निकाल लेती हूँ प्लेट में। अब गाइस वापस से इसमें 1 चम्मच तेल डाल लेंगे। अब गाइस इसमें सारे खड़े गरम मसाले डाल लेंगे। ये जीरा लिया है, सूखी लाल मिर्च 2, 1 तेज पत्ता, ये 1 बड़ी इलायची, छोटी इलायची, चक्रफूल, जावित्री, दालचीनी, सारे खड़े गरम मसाले ले लेने हैं। इसको भी हम जीरा को तड़क देंगे। अब गाइस इसमें प्याज डालेंगे, तो ये 3 प्याज ले लिए हैं, बारीक बारीक काट दिया है, मिक्स करेंगे। प्याज को गाइस लाल होने तक हम फ्राई कर लेंगे। गाइस प्याज लाल हो चुका है, अब मैं इसमें टमाटो प्योरी डालूंगी, ये 2 टमाटो की प्योरी है, मिक्स करेंगे। अब गाइस इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल लेंगे, तो 1 चम्मच भर के मैं जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल रही हूँ। साथ ही गाइस ये 3 से 4 हरी मिर्च को स्लिट कर लिया है बीच से, मिक्स करेंगे। इसको गाइस भून ले 1 से 2 मिनट के लिए। अब गाइस गैस का फ्लेम लो कर दें और इसमें हम ये दही
में जो मसाले फेटे थे वो डाल लेंगे, मिक्स कर लेंगे। अब गाइज इससे 4 से 5 मिनट के लिए अच्छे से भूनेंगे। गाइज मसाले हमारे फ्राई हो चुके हैं, अब इसमें आलू डाल लेंगे और साथ ही जो हमने प्याज को फ्राई किया था उसमें से थोड़े से प्याज डाल लेंगे, मिक्स कर लेंगे। अब गाइज इसमें आधा ग्लास पानी डाल लेंगे, मिक्स कर देंगे और गाइज इसे ढक के पकने देंगे आलू हमारा पक जाए। अगर आपने बॉईल आलू लिया है तो भी 5 मिनट के लिए इसे ढक के छोड़ दें। गाइज ये देखिए आलू हमारा हाफ पक चुका है, थोड़ा बहुत जो बचा है वो दम लगते टाइम पक जाएगा। तो गाइज अब हम दम लगाएंगे तो पहले थोड़े से आलू निकाल लेते हैं सेकेंड लेयर में यूज करने के लिए। गाइज अब इसमें राइस डाल लेंगे अच्छे से फैला के। देखिए गाइज राइस डाल लिया, अब हम इसमें फूड कलर डालेंगे। ये ऑप्शनल है, अगर आप ना डालना चाहें तो ना डालें। यहाँ पे रेड डाल लिया है, 3 कलर है हमारे पास, तीनों डाल रहे हैं, रेड ऑरेंज एंड ग्रीन। आप इसे स्किप भी कर सकते हैं, ग्रीन डाल लेंगे। अब ऑरेंज डाल लेंगे। अब गाइज इसमें प्याज डाल लेंगे जो फ्राई करके रखा हुआ था। अब गाइज ये बची हुई जो सब्जी है वो भी डाल लेंगे आलू। अब गाइज राइस डालेंगे सेकेंड लेयर, पूरा आप डाल देंगे। गाइज फिर से कलर डाल लेंगे थोड़ा थोड़ा तीनों में से। अब गाइज इसमें काजू और किशमिश डाल लेंगे। काजू किशमिश ऑप्शनल है, अगर आप ना डालना चाहें तो ना डालें, या फिर आप इसे फ्राई करके भी डाल सकते हैं। अब गाइज 1 चम्मच घी डाल लेंगे। अब गाइज 1 चम्मच केवड़ा वाटर डाल लेंगे। गाइज इसमें 1 छोटी कटोरी कांच वाली कटोरी से 1 छोटी कटोरी दूध डाल रहे हैं और चम्मच से ये 4-5 चम्मच है। अब इसमें प्याज डाल लेंगे। ये देखिए गाइज प्याज डाल लिया है और ये देखिए गाइज इस पतीले के नीचे मैंने तवा रख दिया है, तवे पे ही पतीले को रखेंगे नहीं तो जल सकता है, चिपकेगा। अब इसे ढक के गाइज 15 से 20 मिनट तक दम लगने देना है। गाइज बिरयानी हमारी रेडी हो गई है, ये आप देख सकते हैं। अब मैं इसे आपको सर्व करके दिखाती हूँ, इसको मिक्स कर लेंगे पहले। ये देखिए गाइज बिरयानी हमारी रेडी हो गई है, इसे मैंने प्लेट में सर्व कर दिया, आप देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है। इसकी खुशबू भी गाइज बहुत ही अच्छी आ रही है। गाइज एक बार आप ये रेसिपी ट्राई करके देखिएगा, और नॉन वेज वाली बिरयानी भी मेरे चैनल पे है, चिकन बिरयानी, एग बिरयानी, मटन बिरयानी, सबकी रेसिपी है मेरे चैनल पे। बट गाइज एक बार आप ये बिरयानी जरूर ट्राई करिएगा, ये बहुत ही अच्छा लगता है। इसे आप रायता या दाल किसी भी चीज़ के साथ खा सकते हैं, इसे आप ऐसे भी खा सकते हैं, ये ऐसे भी बहुत ही टेस्टी लगता है। ये गाइज बिल्कुल ही वैसा ही नॉन वेज वाला टेस्ट आता है, बहुत ही अच्छा लगता है, एक बार आप ट्राई करिएगा, मस्ट ट्राई है ये। गाइज आप एक बार ये रेसिपी बनाएंगे ना तो फिर बार बार बनाने वाले हैं, ये इतना अच्छा लगता है, ये बच्चे बड़े सबको ही बहुत पसंद आएगा, एकदम ही ज़बरदस्त टेस्ट है इसका। तो एक बार ये रेसिपी ट्राई करिएगा, कैसी लगी रेसिपी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, फैमिली एंड फ्रेंड में शेयर करिए। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय गाइज।